ओम द्रव्यो नमो गणपतये नमो उन्मते नमो रम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। कुछ शंका समाधान था। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि पाप मोचनी एकादशी में क्या क्या करना चाहिए। देखिए, एकादशी के बारे में बहुत सारे वीडियो मैं दिया हूँ, उपवास के बारे में बहुत सारा वीडियो दिया हूँ, बड़ा बड़ा दिया हूँ। थोड़ा सा नीचे जाके देख लो, ऊपर एक दो वीडियो देख के फिर आप मेरे को बोलने लगते हो और बताओ और बताओ। डबल डबल किसी वीडियो को बनाना, जो बना चुका हूं उसको फिर से बनाना नहीं आता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाइए, चैनल पे मिल जाएगा। बड़ा डेडिकेटेड वीडियो दिया हूं। बार बार उसी विषय को बार बार बोलना मुझे पसंद नहीं है, और फिर भी शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। पहला बात, जिसके पास दम है निराहार करे। नो जलाहार, नो फलाहार, नथिंग, जीरो। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, मेरा दादी करती थी, और मैं फलाहार जलाहार तक हूँ, निराहार तक नहीं जा पाया। और मेरा दादी इसके लिए 100 साल जीवित रही। एकादशी करने से उम्र बढ़ता है, आयु बढ़ता है, अपमृत्यु विवर्जित होता है। तीसरा बिंदु है कि इस एकादशी में विष्णु सहस्रनाम, जिनको अपने जीवन का सर्वाधिक कष्ट दूर करना है, जिसके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, किसी भी प्रकार का समस्या में पीड़ित हैं, तो एकादशी में आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम पर्सनल अफेयर्स डिस्टर्ब करते हैं, क्या करें होता है सब। कहाँ थे? हाँ, एकादशी में तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ जरूर कराइए। नहीं करा सकते हो, समय नहीं है, आप लोग सब व्यस्त में हो, एटीएम मशीन बन गए हो, पैसा के पीछे दौड़ भाग है, तो किसी भी पंडित को पैसा भिजवा के कर लीजिए। विष्णु सहस्र नाम का पूरा काम लगता है, कम से कम 7 घंटा का काम है, तो उसी हिसाब में पंडित जी को मान्यता अनुसार दक्षिणा दीजिए। पंडित खा गया, ले गया, चोरी कर लिया, बहुत दक्षिणा मांगता है, ठगता है, खैनी खाता है, वो अपना धर्म रखे। लेकिन आप, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, शालिग्राम भगवान नहीं है, विष्णु मूर्ति लक्ष्मी मूर्ति नहीं है, तो और ये विष्णु सहस्र नाम एकादशी में जिनको धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए, आध्यात्म प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसका जो अभिष्ट है, विष्णु सहस्र नाम सबके लिए। राहु महादशा चल रहा हो, शनि महादशा चल रहा हो, शुक्र से पीड़ित हो, कामना वासना से उत्पीड़ित हैं, तो फिर मैं जो टेक्निक बताता हूँ उस टेक्निक में 1008 तुलसी का अर्चन और कर सकते हैं तो बढ़िया। नहीं कर सकते फिर वो पंडित जी को स्पेशल और ज़्यादा दक्षिणा देना पड़ेगा, आपके लिए तोड़ के आपके नाम पे कराएगा। कर लो आप, एकादशी कर लो, उपवास कर लो, और पंडित जी को ड्यूटी दे दो, कर देगा। देखो, समय के अनुसार सारा खेल चेंज होता है। आपके पास टाइम नहीं है तो पंडित जी के पास टाइम है। पंडित जी लोग कैसे पलेगा यार, खा लेता है, ले लेता है, ले लेता है, ले लेता है, और का उसमें का चिंता है। पंडित जी लोग खाएगा नहीं, कलयुग का तो वही लोग महापापी है। पंडित जी लोग कलयुग में, वो जो विभीषण जी बोले थे ना राम जी को कि अगर मैं आपका द्रोही रहूंगा तो कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा, बहु परिवारी बहु गोवंशी ब्राह्मण परिवार ये जन्म, ऐसा बताया गया ना। तो कलयुग का पंडित है, क्या करें, जैसा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कराओ, और आप बोलोगे एकदम साधक महापंडित ध्यानी योगी यति संत तपस्वी, जो मिल जाए करा लो, कुछ तो मिलेगा। चलो 100 नहीं मिला, 10 मिलेगा, पैसा लेके कहाँ जाओगे, करा लेना, पक्का करा लो। बढ़िया एकादशी है। और दूसरा बिंदु यह है कि अगर पास में नदी वगैरह है तो स्नान करिए। गंगा जी के पास जो किनारे रहते हो वो भाग्य है, एकादशी के दिन पक्का स्नान करिए। तुलसी अर्चन पहले से तोड़ना पड़ता है, एकादशी द्वादशी में नहीं तोड़ना है। इस सारे बात को ख्याल रखना है, करना है एकादशी में, ठीक है। और आखिरी में अगर हवन करवा सको तो और बढ़िया है, लेकिन विष्णु सहस्र नाम पे सहस्र अर्चन बहुत 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 पुण्य मिलता है। कभी मौका मिलेगा तो विष्णु सहस्र नाम का एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग अगर देखेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे कि लंबा बनाते हो, क्योंकि विष्णु सहस्र नाम, हे भगवान क्या बताएं आपको, क्या पुण्य, क्या धर्म, क्या शक्ति,
और जहां आपको थोड़ा सा ये दो लाइन इंट्रोडक्शन देता हूँ, जब ये भीष्म सरसैया में थे और का धर्मम ऐसे पुरुष प्रश्न होता है, और धर्म क्या है उसका एक्सप्लेनेशन हाँ भीष्म बता रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। कृष्ण वहां नहीं बोल रहे हैं, कभी प्रवचन हो तो उसके ऊपर। हमारे अंदर बाबा जब आता है ना तब निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है, ऐसे बोलने के लिए बोलोगे तो भी कुछ भी समझ नहीं आ, बाबा को आना पड़ता है तब, या फिर माई बोले तो कर लेना। बहुत जितना समझ में आता है उतना करो। और इतना मेरे को क्वेश्चन करोगे, इतना सब पढ़ाने के बाद, इतना लंबा लंबा वीडियो देने के बाद फिर पूछने लग जाओगे। बता दीजिए जो नया लोग आए हैं, तो प्लीज अनुरोध करता हूँ, पीछे का उपवास रिकॉर्ड जाके कैसेट, ये यूट्यूब जाके चैनल में वीडियो है, देख लीजिए। नहीं तो बाकी लोगों का भी देखिए, ऐसा जरूरी कि हम ही 30 मार खाए हैं सब जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं। बहुत वीडियो बना के एकादशी में बड़े बड़े 30 मार खां लोग दिए हैं, आप उनको अनुकरण करिए जरूर। और मुझे फिर से वीडियो बनाने के लिए मत बोलिए, ऐसे ही पेंडिंग 50-100 वीडियो और पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एकादशी का, दूसरा था ग्रहण का। ग्रहण में बांदा और शनि पुष्या में आपका जड़। शनि पुष्या के दिन में भी आप इन जड़ों को संग्रह करके खाली रखने से नहीं होगा, उनको उनको लाके, मैं जैसे विधान बताया हूं, पहला दिन जैसे 3 तारीख शाम को 8:15 में, 8:54 में पुष्या में प्रवेश हो रहा है, तो एम में, तो शाम का टाइम पूरा मिल रहा है आपको बढ़िया से करने के लिए, पूजा पाठ करके फिर आखिरी अपने लोकल पंचांग देख लेना, कितना मिनट, कितना लिता, कितना दीघा, कितना कला, कितना बिकला, जो भी जो समझते हो। शनि पुष्या नक्षत्र छोड़ के अश्लेषा में आ रहे हैं, फिर अश्लेषा में कलेक्शन करोगे कोई मतलब नहीं बनेगा, ठेंगा हो जाएगा। तो हमारे उड़ीसा के पंचांग के अनुसार ये 4 तारीख फाल्गुन शुक्ल ये द्वादशी तिथि पुष्या कर्क 11:47 दीवा घंटा ये भोग का समय है, तो उसके अंदर आपको संग्रह कर लेना है, फिर आगे भाग जाएंगे चंद्रमा। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस समय कोई नहीं देखता हो, अंधेरा हो, लोहे का कोई अस्त्र नहीं लगाना, पहला दिन जैसे विधान बताया पूर्व वीडियो में, उस प्रकार के झूणा पणा दीप धूप सिंदूर चंदन देके, अपना गुरु आज्ञा से, मेरे आज्ञा से नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं भी बोल सकता हूं, क्योंकि आप अगर उनका दुरुपयोग किया मुझे लग जाएगा, इसलिए मैं आप किसी को नहीं कह रहा हूं। आप अपना गुरु है, फोन करके दीक्षा ले, उनको आज्ञा मांग लेना और कर लेना। जिनको सर्वाधिक समस्या है वे लोग करना, जिनको समस्या नहीं है, छोटा छोटा समस्या है, वो लोग नहीं, जरूरत नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रहण। ग्रहण में महुआ का बांधा होगा, ये शनि पुष्या में कोई नहीं आना, उनके लिए वो बांधा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का गंगा स्नान होगा। हाँ, वो आपके गुरु आज्ञा के अनुसार ग्रहण के दिन यज्ञ करोगे, अदरवाइज बिना आज्ञा में ये सब प्रयोग नहीं करना। और क्वेश्चन पूछे थे, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन वीडियो क्यों नहीं हुआ? सब बनाए तो फिर बाकी आप लोग क्या, बाकी लोग क्या करेंगे, सब हमें ही बना लें अरे महाराज लोग, ऐसा है ना, कुछ चीज हमें समझ में आता है कि यार इसका नक्षत्र परिवर्तन कर ले या मुकुट पहन ले गुरु बृहस्पति, वो ठुल्लू ही करेगा और कुछ नहीं करेगा अभी। मतलब काहे, आगे राहु पीछे शनि, बीच में बेटा गुरु, ठीक है ना। तो गुरु यहां पर नक्षत्र परिवर्तन करे, कुछ कर दे, जब भी कोई प्लैनेट पाप कर्तरी में फंसता है, कर्तरी कैंची काट जाता है उसका सारे फल। अभी देखो गुरु ऐसे कंडीशन पे हैं, स्वग्रही हैं, सब वारे न्यारे हो जाते हैं यार, सबका एकदम बमबमाता। मेरा विस्तार विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये नवम्बर के बाद देखना, जब गुरु यहाँ शुद्धि होकर राहु इधर भाग आएंगे तब देखना, और इधर वेद भी लगाएंगे इधर शनि और इसका तृतीय में, क्योंकि ये बद्ध तारा में आ जाएंगे, जन्म संपत्ति यहाँ पर, सॉरी बद्ध तारा बोलता हूं, मतलब ग्रह से दूसरा स्थान का ग्रह सुरक्षा देता है, तीसरा स्थान का वेद लगा देता है,
वेद नहीं, बध करता है, उसका काम करने नहीं देता है। तो जब इसको बध कर देगा तो यहां धड़ल्ले से काम निकालने का काम करेंगे, तो उस समय आप देखोगे चमत्कार कैसा होता है। गुरु मेरा बात नहीं लगा तो बोलना। तो इसलिए अभी तो बेचारा खुद पापकर्तरी में, रेबती में घुसेंगे, मतलब कौन सा डिग्री में घुस जाएंगे और क्या उखाड़ लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, नक्षत्र परिवर्तन तो राशिफल कैसा है यार, नक्षत्र फल बताइए ना। उसका वीडियो बना दे रहा हूं, ठीक है, अगर आप लोग बोल रहे हो तो। नक्षत्र परिवर्तन में किस किस का नक्षत्र, राशिफल वही रहता है क्योंकि वो 30 डिग्री में देखते हो, तो जो पहले बनाए थे वही होने वाला है। नक्षत्र पद से अब राशि से राशिफल बोलिए, नक्षत्र से नक्षत्र फल बोलिए, नक्षत्र परिवर्तन होता है राशिफल। ले का हुआ भाई, इतना होगा क्योंकि ये बुध का नक्षत्र में जा रहे हैं, तो बुध एक्टिव हो जाएगा, तो बुध के डायमेंशन पे हमें राशिफल बोलना पड़ेगा। इस समय क्या करते थे, शनि का नक्षत्र था तो शनि के नक्षत्र में अनुसार शनि को एक्टिव करके बोल रहे थे, तो गुरु बाबा शनि के नक्षत्र में शनि को एक्टिव करके रखे थे। शनि के नक्षत्र फल के अनुसार, शनि जहां जहां बैठता है दशम एकादश के अनुसार फल कथन हुआ। अभी बुध में आ गया तो उसी समय राशिफल में परिवर्तन आ गया। लेकिन इतना भी गुरु बाबा रेवती में बैठ के बुध को एक्टिव कर दें, अपना जो गुरु से फल मिलना चाहिए था, बुध का फल उत्तम हो जाएगा, मैं मना नहीं करता हूं। तो चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं, जब आप कह रहे हो तो मैं उसके ऊपर बात कर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हमसे सुनना चाहते हैं तो जरूर बताते हैं। नेक्स्ट, हाँ कोई महानुभाव 5,000 रुपया मेरा डांस में एलो ई का, हम स्टेजवा में डांस कर रहे हैं कहा। और एक बंधु 2,000 रुपया भेजे, तो ये 2,000 क्यों भेजे वो तो नहीं लिखे, लेकिन बोले गुरु जी को दक्षिणा है। अरे हम ना कुंडली देखे ना कुछ, ऐसा पैसा भेज दोगे कैसा होगा महाराज। ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जो पैसा भेजे हैं, और एक सज्जन चलिए गुप्त दान है, आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, माता रानी गो माता गंगा माता गीता माता गायत्री माता स्व माता भोलेनाथ आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि परमानंद परम शांति परम तृप्ति आनंद प्रदान करे, आपके सब परिवार सब सभी को कल्याण हो मंगल हो। माता रानी के पास आप सबके लिए प्रार्थना है, आपका प्यार। देखो मैं डांस तो कोई इंग्लिश गाना में नहीं करता, भगवत नाम पे कीर्तन हो जाता है निकलता है, हम नाचते नहीं हैं, लेकिन आप जो हमारे डांस देख के इतना प्रसन्न हुए, हमारा देखो इसको डांस नहीं कहते हैं, कीर्तन उन्माद नृत्य कहा जाता है। अब तक देखे नहीं हो, आगे और देखोगे, जिस दिन बाबा नाचेगा उस दिन देखना, अभी कुछ नहीं देखे हो, बाबा को नाचने दो, अभी तक वो मौका नहीं मिला है, फिर हमारा डांस देखोगे तो प्रभु उसका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए इसमें विराम देता हूँ वाणी को, हमारा ड्रिंक भी आ गया, नहीं वो वाला ड्रिंक नहीं, ये वाला ड्रिंक है।